नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, दिलों को फाड़ने के लिए, नफरत फैलाने के लिए कुछ लोग लगातार काम कर रहे हैं। कौन है ये लोग? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा का नारा जेब में लेकर के घूम रहे हैं और नफरत का एक कारोबार चला रहे हैं। दोस्तों, ये नारा हिंदुओं के लिए खौफ का पर्याय बन गया है। राजस्थान में दर्जी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद देश भर में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस्लामिक जिहादी कन्हैयालाल से लेकर के परवीन नट्टारू तक 6 हिंदुओं को मौत के घाट उतार चुके हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चुप है। वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद अचानक से हर मिनट पे अपनी एक टिप्पणी दे रहा था, इस समय वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चुप है। सोशल मीडिया और पूरे हिंदुस्तान में इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर झूठे मॉब लिंचिंग, अल्पसंख्यकों पर हमले और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के हाय तोबा मचाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हिंदुओं की निर्मम हत्या पे चुप क्यों है, क्यों मौन है? उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद सरतन से जुदा की आग पूरे देश में फैल चुकी है। इसकी चपेट में उमेश कोले, मुनीष भारद्वाज, अंकित झा, झानू पांडे, निशंक राठौर और परवीन नट्टारू जैसे हिंदू युवा आते चले गए और निशंक राठौर का शव रेलवे ट्रैक पे मिलता है, जिसमें उनके पिता को गुस्ताखे नबी की एक ही सजा लिखा हुआ एक गुप्त संदेश भेजा गया था। इससे आम हिंदुओं में खौफ बढ़ रहा है। हिंदुओं को लग रहा है कि ये इस्लामिक आतंकवाद है जो एक मनोवैज्ञानिक रूप से लड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पे इसे खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर इसके खिलाफ नहीं खड़े हुए तो अगला नंबर आपका हो सकता है। जिहादियों का दुस्साहस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वे नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सरतन से जुदा की धमकी दे रहे हैं। इससे सैकड़ों हिंदू खौफ में जीने को मजबूर है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल को इस्लामिक जिहादियों ने यही धमकी दी है, सरतन से जुदा। इससे उनका पूरा परिवार सदमे में है, दहशत में है, डरा हुआ है। उन्होंने 29 जुलाई को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया, आज तीसरी रात है जब अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए सोया नहीं हूँ। दिल्ली पुलिस का कोई पुलिस अधिकारी नहीं है मेरे पास, मेरी और परिवार की जान खतरे में है। इस ट्वीट के बाद विनीत जिंदल के परिवार की सुरक्षा की मांग भी उठ रही है, साथ ही लोगों में जिहादियों के बढ़ते दुस्साहस के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा है। राजस्थान के बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीना को धमकी मिली है, उनको धमकी भरा पत्र मिलता है। ये पत्र दिल्ली के उनके सरकारी निवास पर डाक के जरिए भेजा गया था। इसमें कन्हैयालाल की हत्या का जिक्र भी किया गया है और अगला नंबर किरोड़ी लाल मीना के होने की धमकी दी जा रही है। कादर अली राजस्थानी नाम से भेजे गए धमकी भरे पत्र में लिखा था, जो हमारे पैगंबरों के खिलाफ गुस्ताखी करेगा उसका हाल कन्हैयालाल जैसा ही होगा। जो गुस्ताखी करने वालों की मदद करेगा, वो बड़ा नेता ही चाहे क्यों ना हो, उसको हम सबक सिखा के रखेंगे।
सबक जरूर सिखाएंगे। इसलिए अब किरोड़ी लाल मीना तेरा नंबर है, क्योंकि तू खुद को बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता और हिंदुओं का पैरोकार समझकर हम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। कुछ दिन पहले ही उदयपुर जाकर के अपनी तनख्वाह के पैसे दे करके गुस्ताखी करने वालों की मदद की है, यहाँ तक उसको उस पत्र में लिखा हुआ था। और जब भीड़ की पिटाई से किसी चोर की मौत हो जाती है, वह मुस्लिम समुदाय से अगर संबंध रखता है, तो मीडिया उसे धार्मिक रूप दे करके अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग करार देती है। राष्ट्रीय स्तर पे सोशल मीडिया से लेकर के मुख्य धारा की मीडिया तक में बहस छिड़ी हुई है। ऐसे मामलों में बहस छिड़ जाती है, काफ़ी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। बहुसंख्यक हिंदुओं पर असहिष्णुता का आरोप लगाया जाने लगता है। यही मीडिया अब हिंदुओं की हत्या हो रही है तो चुप है, उसे हिंदुओं और मानवता के खिलाफ जिहाद दिखाई नहीं देता। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दोगले चरित्र को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया शर्तन से जुदा के तहत हो रही हत्याओं का कोई कवरेज नहीं दिखा रहा, चुप है बिल्कुल, उसका कोई कमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कवरेज किया तो भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है कि जो उनका नैरेटिव है उसकी हवा निकल जाएगी। पूरे भारत में जो आग लगी हुई है उसे लगाने वाले तथाकथित पत्रकार और ऑल्ट के जो पत्रकार हैं मोहम्मद जुबेर, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। लेकिन जुबेर ने टीवी चैनल पर बहस के दौरान नूपुर शर्मा के बयान को एडिट कर सोशल मीडिया पे डाला, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने शेयर किया। जुबेर के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने इस ट्वीट को मुस्लिम देशों में फैला करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची। लेकिन हैरानी तब हुई जब मुस्लिम पत्रकार के रूप में उनकी पहचान पर जोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उनकी गिरफ्तारी को सुर्खियों में कवर किया। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित पत्रकार को सताया जा रहा है, ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया। सरकार पत्रकारों को बोलने की आज़ादी पर पाबंदी लगा रखी है। मोदी सरकार को ऐसे पेश किया गया है मानो जैसे वो अल्पसंख्यकों का दमन करने की नीति पर काम कर रहे हैं। जुबेर के मामले में मुखर होने वाली मीडिया आज हिंदुओं की हत्या के मामले में पूरी तरह से चुप है। देखिए कितना कहना चाहिए कि विरोधाभास है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सोच में। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली छोटी से छोटी घटना भी तुरंत अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लेती है, क्योंकि भारत में विदेशी फंडिंग में पल रहे एजेंडा पत्रकार विदेशी मीडिया के लिए आंख और कान का काम करते हैं, यहाँ तक कि मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की छवि को धूमिल किया जा सके, खराब किया जा सके। इसके माध्यम से मोदी सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की साजिश की जाती है, जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा। सभी मुस्लिम राष्ट्र जो है उन्होंने काफ़ी विरोध किया था, काफ़ी उनकी आवाज़ें आ रही थी नूपुर के खिलाफ। इससे भारत और बहुसंख्यक हिंदुओं की छवि खराब होने और देश को होने वाले नुकसान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मकसद सिर्फ विदेशी एजेंडे को भारत में लागू करना होता है। और कई तथाकथित भारतीय पत्रकार अपने स्वयं के पूर्वाग्रह की वजह से मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगंडा में शामिल होते हैं। विदेशी मीडिया उन्हें आसानी से अपना चारा बना लेती है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत में एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहती है जिसे अल्पसंख्यकों का बोलबाला हो सके, जो विदेशी सरकारों के एजेंडे को लागू कर सके, भारत के राष्ट्रीय हितों को दरकिनार करके दूसरे देशों के हितों के मुताबिक काम करे। विदेशी मीडिया भारत में मजबूत और राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ माहौल बनाती है, ताकि जो बहुसंख्यक लोगों की आवाज़ है उसे दबाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बहुसंख्यकवाद यानी कि बहुसंख्यक हिंदुओं को अपना एजेंडा लागू करने की राह में बाधा समझती है, इसलिए बहुसंख्यकवाद का विरोध करती है और अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है। उसे अल्पसंख्यकवाद से ही भारत में अपनी जड़ें
जमाने का मौका मिलता है। अगर वो अल्पसंख्यकों को और इस्लामिक जिहादियों के विरोध में आवाज उठाने लगे तो उनका भारत में आधार खत्म हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा लागू नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये है फर्क अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का। जिस समय एक पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई होती है उस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बोलता है, जिस समय नूपुर बोलती है उसकी बात को बढ़ा चढ़ के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बोलता है। लेकिन आज जब हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं पर अटैक जो हो रहे हैं, गुस्ताख के रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा का नारा चल रहा है, उस समय विदेशी मीडिया चुप है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं इस उनकी सोच पर, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसकी सोच को आप क्या कहेंगे? और कुछ ऐसे हमारे भारत में भी ऐसे पत्रकार पल रहे हैं जो उनको बाकायदा पूरा फीडबैक दे रहे हैं ताकि अपने ही देश का जो अमन चैन है वो खराब हो और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या कहते हैं इस पे? फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।